कपास का उत्पादन इस साल उम्मीद से काफी कम होने का अनुमान है। कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने 2021-22 के लिए 323.63 लाख गांठ की बजाय प्रोडक्शन 315.32 लाख गांठ रहने का अनुमान लगाया है। हालांकि इस साल किसान इसकी बुआई पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं, यानी अगले वर्ष कॉटन उत्पादन बढ़ सकता है। किसान ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश जैसे राज्य में किसानों को प्याज और दूसरी फसलों के मुकाबले कॉटन में अधिक फायदा मिला है। कॉटन का दाम उन्हें न्यूनतम समर्थन मूल्य से डबल मिला है। ऐसे में व्हाइट गोल्ड कहे जाने वाले कॉटन के प्रति किसानों का रुझान बढ़ा है। वहीं केंद्रीय कृषि मंत्रालय की एक रिपोर्ट के मुताबिक चालू खरीफ सीजन 2022 में देश में कॉटन का रकबा 4 से 6% बढ़कर 125 लाख हेक्टेयर होने का अनुमान है। 15 जुलाई 2022 तक देश भर में कपास की बुआई 102.8 लाख हेक्टेयर में हो चुकी है, जो कि पिछले साल की समान अवधि की तुलना में 6.2% अधिक है। साल 2021 में 15 जुलाई तक 96.58 लाख हेक्टेयर में कॉटन की बुआई हुई थी। वहीं यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की रिपोर्ट के मुताबिक 2020-21 के दौरान चीन में 6.42 मिलियन मीट्रिक टन यानी MMT कपास का उत्पादन हुआ था, जिसे घटाकर 2021-22 में 5.88 MMT रहने का अनुमान है, यानी उत्पादन में रिकॉर्ड 8.5% की कमी है। बता दें कि चीन दुनिया में कॉटन का सबसे बड़ा आयातक भी है। भारत में कॉटन उत्पादन 7.6% कम होने का अनुमान है। यहाँ 2021-21 में 6.01 MMT उत्पादन हुआ था, जबकि 2021-22 में 5.55 MMT उत्पादन होने का अनुमान है। उत्पादन कम होने के साथ ही खपत में भी कमी का अनुमान लगाया गया है। वहीं ओरिगो ई मंडी के असिस्टेंट जनरल ने कहा कि ऊंचे भाव और सप्लाई में कमी की वजह से कॉटन की मांग में कमी रहेगी। सप्लाई की कमी की वजह से मई 2022 की शुरुआत में भारत में कॉटन का भाव 50,330 रुपये प्रति गांठ की रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया था। हालांकि कई अहम कारकों की वजह से भारत में अब कॉटन की मांग में कमी देखने को मिली है। कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने फसल वर्ष 2021-22 के लिए घरेलू खपत के अनुमान को भी संशोधित करते हुए 315 लाख गांठ कर दिया, जबकि खपत का पिछले अनुमान 320 लाख गांठ का था। वहीं कमोडिटी विशेषज्ञों के मुताबिक 2021-22 फसल वर्ष में मई 2022 तक तकरीबन 3.7 से 3.8 मिलियन गांठ कॉटन का निर्यात किया जा चुका है, जबकि एक साल पहले की समान अवधि में 5.8 मिलियन गांठ कॉटन का निर्यात किया गया था। कॉटन की ऊंची कीमतों ने निर्यात को आर्थिक रूप से अव्यवहारिक बना दिया है। इस साल भारत का कॉटन निर्यात 4.0 से 4.2 मिलियन गांठ तक सीमित रह सकता है, जबकि 2020-21 में ये 7.5 मिलियन गांठ कॉटन निर्यात हुआ था। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।